अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत को धर्म से विजय किया, मैं बात कर रहा हूँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एक शक्तिशाली भारतीय राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवान प्रिय अशोक मौर्य था। सम्राट बिंदुसार के बाद अशोक मगध का सम्राट बना। अशोक को मगध के सम्राट बनने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर और लगभग 4 वर्ष सत्ता संघर्ष के बाद अशोक को राजगद्दी प्राप्त हुई। सम्राट अशोक बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे। सुभद्रांगी की भी एक कहानी है जिसे जानना जरूरी है। चंपा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था जिसकी कन्या बहुत ही सुंदर, दर्शनीय एवं जनपद कल्याणी थी। उसके भविष्य के विषय में ज्योतिषों से पूछा गया। उन्होंने बताया कि इस लड़की का पति राजा होगा और इसके 2 पुत्र होंगे। एक पुत्र तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और दूसरा बैरागी होकर सिद्धव्रत हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। दुनिया रुपए के पीछे चलती है। वह ब्राह्मण लड़की को लेकर पाटलिपुत्र आया और उसे अच्छे वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कर राजा बिंदुसार की पत्नी बनाने के लिए उपहार स्वरूप में दे दिया। जब रानियों के सामने कन्या को लाया गया तब रानियों के दिमाग में यह आया कि यह बहुत सुंदर है, अगर राजा ने इसे पसंद कर लिया तो वह हमारी तरफ आंख उठाकर भी न देखेंगे। यह सोचकर रानियों ने ब्राह्मण कन्या को नाई का काम सिखा दिया। जब वह अपने काम में निपुण हो गई तब वह राजा के बाल और मूंछ संवारने लगी। जब राजा सोता था तब वह राजा के बाल संवारती थी। एक बार राजा प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो कन्या ने उत्तर दिया, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा बोला, तू नाई है, मैं क्षत्रिय राजा, तेरा मेरा विवाह किस प्रकार हो सकता है। कन्या ने उत्तर दिया, मैं नाई नहीं अपितु ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिए उपहार स्वरूप में दिया है। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुझे नाई किसने बनाया। ब्राह्मण कन्या ने उत्तर दिया, अतःपुर की रानियों ने। उसके बाद इस ब्राह्मण कन्या को नाई का कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। राजा बिंदुसार ने उसे पटरानी बना लिया। कुछ समय बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अशोक रखा गया। बाद में रानी का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम विगत शोक रखा गया। अशोक का शरीर ऐसा नहीं था कि उसके स्पर्श से सुख प्राप्त हो। अशोक देखने में बड़ा कुरूप था, इसलिए राजा बिंदुसार उससे प्रेम नहीं करता था, पर उसे पता था कि उसके सारे पुत्रों में अशोक ही मगध का सम्राट बनने योग्य है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहले विद्रोह को अशोक को भेजकर शांत कराया गया। इसके बाद तक्षशिला में 1 बार और विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को शांत कराने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। संभवतः अशोक उस समय उज्जैनी का शासक था। सुसीम ने इस विद्रोह को शांत न करा सका, अतः अशोक को वहां भेजने की व्यवस्था की गई और अशोक ने इस विद्रोह को शांत कराया। अशोक सम्राट बिंदुसार के बाद मगध का सम्राट बना। अशोक का साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से भी परे तक फैला हुआ था। दक्षिण में भी तमिल देशों तक मगध का साम्राज्य विस्तृत था, पर कलिंग का राज्य इस साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। जब अशोक के राज्य अभिषेक को हुए 8 वर्ष पूर्ण हो चुके थे तब कलिंग पर आक्रमण किया गया। उस समय कलिंग अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली देश था। मेंगस्थनीस के अनुसार वहां की सेना में 60,000 पद्धति, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। इस शक्तिशाली राज्य पर बड़ी तैयारी के साथ आक्रमण किया गया। मगध के विश्व विजयी सेनाओं का मुकाबला कर सकना कलिंग की सेना के लिए संभव नहीं था। अंत में उसकी हार हुई। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 1.5 लाख सैनिक कैद किए गए। कलिंग विजय के बाद अशोक की मानसिक वृद्धि बदल गई। उसने शस्त्रों द्वारा विजय करना छोड़कर धर्म विजय करना प्रारंभ कर दिया। कलिंग विजय के बाद मगध साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुंच गया। सुदूर दक्षिण के कुछ तमिल प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत सम्राट अशोक की अधीनता में आ गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्याबदान के अनुसार जब अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की तो वह बहुत क्रूर और अत्याचारी था। एक बार अमात्यो ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो अशोक को बहुत क्रोध आया। क्रोध में तलवार को म्यान से खींचकर उसने 500 अमात्यों के सिरों को धड़ से अलग कर दिया। इतिहास में अशोक के महत्व का मुख्य कारण धर्म विजय की नीति थी। कलिंग को जीतने में लाखों आदमी मारे गए थे जिससे लाखों स्त्रियां विधवा व बच्चे अनाथ हुए थे। यह देखकर अशोक के हृदय में विचार आया कि जिससे लोगों का इस प्रकार वध हो वो विजय निरर्थक है। इस प्रकार की विजय को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी भी देश पर आक्रमण कर इस तरह से विजय नहीं करेगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए भी उसने यही आदेश दिया कि वे शस्त्रों द्वारा नए प्रदेशों को विजय ना करें और जो धर्म द्वारा विजय हो उसी को वास्तविक विजय समझे। धर्म विजय की सहायता से अशोक ने सुदूर दक्षिण के चोल, पांडव, केरल, सातीय पुत्र और ताम्रपर्णी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अशोक का विधिवत राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, पर अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। अशोक का शासन काल 232 ईसा पूर्व तक रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने सब बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। इसके बाद मगध की राजगद्दी पर उसका पुत्र कुणाल बैठा।